नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सपर्ट। तो दोस्तों, जिसको भी पूछो इंडिया में कहीं पे भी, इतना गर्मी, लेकिन गर्मी का रीज़न है हमारे जितने घना जंगल होना चाहिए था, हमारे पूरे वर्ल्ड में 33% होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे है जस्ट 24%, क्योंकि हम सब ने वो चीज़ ख़राब कर दिया। और जो प्रदूषित गैस है वो सारा कुछ हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो इसलिए 5 जून को ये पर्यावरण डे हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन जितना हो सके हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं, रास्ते के साइड में जहाँ पे खेती बती नहीं हो रहा है वहाँ पे भी बड़े बड़े पौधे लगाते हैं, खेती बती हो भी रहा है तो वहाँ पे भी लगाते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ अफगानी चिकन, और जितना भी मैंने कुछ डाला है सारा कुछ मैंने लिख के दे दिया। और कोइंसिडेंटली आज पर्यावरण डे है और मेरा चिकन भी आज ग्रीन कलर का बन रहा है, तो भगवान भी चाहते हैं शायद ऐसे ही कुछ ग्रीनी कुछ बनाए। और मेरा छोटू हमेशा हर रोज़ इसी मेरा जो छोटा सा गार्डन आपने देखा है वहाँ पर पानी देना उसको पसंद है। उसको इतना पता नहीं है कि वो कुछ अच्छा कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे देखता है ना, जो चीज़ हम मम्मी पापा को देखते वही सीखते हैं। तो मैं ना ऐसे जब खाना बनाती हूँ ना, तब मैं मेरे घर पे दीदी के साथ सबके साथ बात करती हूँ। तो लेकिन दीदी ने उसी बीच मुझे कुछ वीडियोस और फोटोज़ भेजा है इस पर्यावरण डे के लिए, उन लोगों ने कितना अच्छा एक स्ट्रीट ड्रामा किया है इस गर्मी में बच्चियों ने। मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा ये स्ट्रीट ड्रामा तो उन कुछ ही लोगों के सामने उन लोगों ने परफॉर्म किया है, लेकिन मेरे पास एक ज़रिया है कि मैं वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को सबके सामने दिखा सकती हूँ कि इस अवेयरनेस की मैं हिस्सा हूँ। और इसीलिए मैं इस चिकन को ना मैरिनेट करने के बाद मैं आप लोगों को वो ड्रामा दिखाऊंगी। देखिए, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियों ने एकदम सिंपल सा, रास्ते पे कुछ नहीं होते हुए भी निर्वाक, जो जिसमें कोई इतना वो डायलॉग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक अवेयरनेस मैसेज हमारे लिए छोड़ा है। तो मुझे लगा, मुझे जहाँ पे कुछ भी अच्छा चीज़ मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के सामने वो शेयर करूँ, कि लोग भी इस चीज़ से इंस्पायर होकर कुछ करें। तो चले, ये रहा मेरी दीदी और उनकी कॉलीग जिन्होंने पहले उन लोगों ने रैली किया है पूरे शहर में। हमारा छोटा सा शहर का नाम है हुजाई, जो बहुत ही प्यारा है, चारों तरफ एक ग्रीनरी, उन लोगों ने मॉडल भी बनाया हुआ है। और हमारे इस आसाम, जिन्होंने देखा होगा आसाम फुल ऑफ ग्रीनरी हिल की भरपूर है, लेकिन एक स्टेट पूरे ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। पूरे दुनिया को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए। तो चले अभी देखते हैं स्ट्रीट ड्रामा। हम पेड़ नहीं बोलने वाले जीव, हम धरती को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते हैं, हम प्रदान करते हैं हवा पानी, प्रदूषण से मुक्त रखते हैं, और हमें ही जीने नहीं देते हैं लोग। जब हमारे नीचे बच्चे खिलखिलाते हुए खेलते हैं छुपा छुपी पकड़म पकड़ाई, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हमारे माता और बहनें दूर दूर से पानी लाने जाते हैं, किसी काम पे जाते हैं, जब हमारे पैरों के नीचे वो लोग आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तब लगता है धरती हमेशा ऐसा ही रहे। लेकिन जब लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें काट देते हैं, तब बहुत ही बुरा लगता है। आगे वो लोग अपने स्वार्थ के लिए काटने वाले, अभी वो लोग हमें काट देंगे, और बच्चे की जो खिलखिलाहट है हमारे नीचे खेलने वाला, वो भी वो लोग छीन के ले जाएंगे। हमारे माताएं उन लोगों से के साथ लड़ रहे, झगड़ रहे, उन्हें मत काटिए, लेकिन वो बोलते हैं उनके पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो काटना चाहते हैं। हमारे माता और बहनों को वो लोग भगा देते हैं ये बोलते हुए कि हमें काटना ज़रूरी है, हमें पैसा चाहिए। तो एक एक करके
सारा हम उन लोगों ने पूरा पौधे को एक काट डाला, लेकिन दूसरे दिन जब बच्चे आए वहाँ पे खेलने के लिए ये तपती गर्मी में वहाँ पे वो पेड़ पौधा नहीं थे तो उनको छाया दे उनके नीचे पकड़म पकड़ाई खेले। अचानक से एक बच्चा गर्मी के मारे बेहोश होके गिर पड़ा। दूसरे बच्चों ने पासी में थे एक दादाजी उनको बुला के लेके आए, लेकिन दादाजी ने कैसे भी करके बच्चे को उठा के लेके गए, लेकिन उन सार्थन्य से लोगों को अभी भी चैन नहीं हुआ। वो लोग पहुंच गए दूसरे जगह पे फिर से पेड़ पौधा काटने के लिए, लेकिन आज हमारे माता और बहनों ने रुका नहीं, उन्होंने ढाल बन के हमारे पैरों के सामने खड़े हो गए कि वो लोग इसको काटने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने उस दिन इस बच्चे को देखा था बेहोश होते हुए, फिर आज कैसे इस पेड़ पौधों को काटने देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ खड़े रहे कि काटने नहीं देंगे और समझाया कि पेड़ पौधा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और उन्होंने भी लास्ट में समझ गए कि नहीं, हमें पेड़ पौधा काटना नहीं चाहिए, चंद रुपए के लिए हमें पूरे धरती को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारे पूरे दुनिया के लिए मैसेज, और हमें हमेशा ही पेड़ लगाना चाहिए। और इस बच्चियों ने अच्छे से शपथ लिया है कि एक्चुअली ये बंगाली में है, आपको समझ में, जो बंगाली नहीं उनको समझ में नहीं आएगा कि हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए, यही शपथ उन लोगों ने सारे बच्चों ने लिया है। तो ये था अवेयरनेस प्रोग्राम मेरे दीदी की स्कूल का, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी मैं आ गई किचन में, मेरा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, अभी थोड़ा सा तेल में और बटर में मैंने चिकन को ना ऐसे शैलो फ्राई करेंगे। ये अफगानी चिकन है तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, और चिकन बहुत टाइम से मैरिनेट हुआ है ना तो अच्छे से वो मतलब गल जाता है। यहाँ पे 70% तक हम लोग फ्राई करेंगे, फिर ग्रेवी में हम लोग पकाएंगे तो अच्छे से बॉयल हो जाए। यहाँ पे है थोड़ा सा सौंफ और खड़ा गरम मसाला, एक्चुअली चिकन फ्राई किया ना इसलिए इस कढ़ाई में थोड़ा सा काला काला लग रहा है, कढ़ाई मैंने और चेंज नहीं किया। तो जो हमने छौंक डाला वो थोड़ा सा गरम होने के बाद जो मसाला बचा हुआ था चिकन की हमने जो मैरिनेट किया था वो पूरा डाल दिया। यहाँ पे सारा ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं मेथी जो ड्राई फेनुग्रीक लीफ है वो कसूरी मेथी डालूंगी और थोड़ा सा क्रीम डालूंगी, बस लास्ट में वो हो जाएगा। फिर अभी ना अच्छे से सारे मसालों को भूनूंगी, जैसे कि देखिए मेरा ऊपर तक था पूरा मसाला, अभी भूनते भूनते थोड़ा सा कम हो गया, अभी चिकन मैंने डाल दिया और चिकन को अब भी अच्छे से भूनेंगे, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी दे दिया। अभी 10-15 मिनट तक भुनने से ही हो जाता है, तो आपकी क्वांटिटी हिसाब से आपको टाइम लगे। तो अभी देखिए अच्छे से चिकन भून चुका है, अभी और 5-7 मिनट के बाद ये देखिए पूरा तेल ऊपर निकल के आ गया, और अभी हमारा चिकन पूरा तैयार नहीं हुआ है। इसमें डालेंगे हम लोग चारकुल की एक तड़का, तो मेरे पास चारकुल गरम कर लिया, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया। ये डालने के बाद इस चिकन में ना चार चांद लग जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है रोटी चावल दोनों चीज़ों के साथ। मैंने जो होल था वो थोड़ा सा बंद कर दिया, और ये देखिए चिकन का लुक। तो दोस्तों आज की वीडियो, अभी बच्चे आ जाएंगे, बच्चे खाना खाएंगे स्कूल से आ जाएंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कैसा पूरा रेस्टोरेंट का खाना मतलब रेस्टोरेंट अच्छा वाला रेस्टोरेंट या अच्छा वाला अच्छा वाला सर। अच्छा चलो खा लो उसके बाद।